वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज मैं आपको माइक्रोवेव में सब्जियां कैसे बॉईल करनी है वो सिखाने वाली हूं। इसी के साथ मैंने और भी माइक्रोवेव के रिलेटेड रेसिपी आपके साथ शेयर की है और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी है। तो चलिए अभी आज का वीडियो शुरू करते हैं। टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जो हाइब्रिड टमाटर आते हैं वो मैंने इस्तेमाल किए हैं। टमाटर को धो के अच्छी तरह से साफ कर लेना है और अब उसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे हमें चाकू की मदद से इस तरह से निशान कर देना है, ताकि जब ये बॉईल हो जाए तब हम इसका छिलका आसानी से निकाल सकें। तो इस तरह से मैंने 2 टमाटर को कट कर लिया है। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और जो बॉल हम इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव को चालू कर दिया है। ये बॉल हम इसमें रख देंगे। जब आप माइक्रोवेव का ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तब आपको ऊपर स्क्रीन में जो टेम्परेचर दिखेगा वो उसका हाई टेम्परेचर होता है। तो मेरा जो माइक्रोवेव है उसका हाई टेम्परेचर 900 है। तो इसे हमें हाई टेम्परेचर पर ही बॉयल करना है। तो यहाँ पर मैं इसे हाई टेम्परेचर पर 2 मिनट के लिए सेट कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद ये टमाटर अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद इसके छिलके निकालकर आप इसे इस्तेमाल करें। अभी ये थोड़ा गर्म है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए अभी इसका छिलका निकालकर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं आसानी से इसका छिलका निकल जाता है। तो इस तरह से हम छिलका निकाल दें। उसके बाद आप इसे कांटे की मदद से भी थोड़ा मैश कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मिक्सी में या फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से भी इसकी प्यूरी बनाकर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 100 से 150 ग्राम जितनी फूल गोभी ली है, जिसे मैंने 2 बार पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब जो इसके फूल है हमें इसे इस तरह से अलग कर देने हैं। आप इसमें से जो भी रेसिपी बनाने वाले हो, मतलब कि जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट हो फूल गोभी को इस्तेमाल करने की, उस तरह से आप इसे कट कर सकते हैं। अभी मैं इसके फूल इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इस तरह से मैं इसे अलग कर दूंगी। और इसे मैंने कांच के माइक्रोवेव सेफ बॉल में ले लिया है। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच जितना पानी डालेंगे और फूलगोभी को हमें खुला नहीं पकाना है। इसके ऊपर हम माइक्रोवेव सेफ प्लेट ढक देंगे। जितने भी बर्तन या प्लेट आप इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रोवेव सेफ होना चाहिए। तो इस तरह से हम बॉल को कवर कर देंगे और अब हम इसे माइक्रोवेव में रख देंगे। तो इसे भी हमें माइक्रोवेव के हाई टेम्परेचर पर 4 मिनट के लिए बॉयल करना है। आपने जितनी भी क्वांटिटी ली है उस हिसाब से टाइम थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। आप देख सकते हैं 4 मिनट के बाद ये फूलगोभी अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। मैं इसे कट करके भी आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 4 ही मिनट में ये हमारी फूलगोभी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। अब हम उसी तरह से ब्रोकली को कैसे माइक्रोवेव में बॉईल करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रोकली ली है। जितनी भी सब्जी आप इस्तेमाल करते हैं वो हमें फ्रेश इस्तेमाल करनी है। तो इसे भी मैंने पानी से 2 बार अच्छी तरह से साफ कर लिया है। तो इसके भी फूल हम अलग कर देंगे। जितने भी आपको रिक्वायरमेंट हो उतनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आपको दिखाने के लिए अभी ली है। तो अभी मैं इतनी बॉईल करके आपको दिखाती हूँ। तो जो भी ब्रोकली हमने ली है उसे माइक्रोवेव सेफ कांच के बॉल में मैंने ले लिया है। अब इसके साथ हम 2 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसे भी हमें कवर करके ही बॉईल करना है। तो इसके ऊपर मैंने माइक्रोवेव सेफ प्लेट रख दी है। इसे हमें माइक्रोवेव के हाई टेम्परेचर पर 3 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद ब्रोकली अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। ये कम समय में बॉईल तो हो जाती है, इसी के साथ इसका कलर भी मेंटेन रहता है और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बरकरार रहती है। यहाँ पर मैंने एक स्वीट कॉर्न लिया है, जिसे मैंने इस तरह से पूरा ही अच्छी तरह से पानी से धो के साफ कर लिया है। अब इसके ऊपर के जो पत्ते हैं उसमें से हम थोड़े पत्ते हम हटा देंगे। तो इसके ऊपर अराउंड 15 से 20 पत्ते हो तो आपको 8 से 9 पत्ते हटा देने हैं। तो इस तरह से मैंने पत्ते हटा दिए हैं। अब जो बाकी के पत्ते हैं उसे आपको थोड़ा खोल देना है और फिर उसके बाद जो कॉर्न है उसे अच्छी तरह से पत्तों से ही कवर कर देना है। और अगर आपको लगे कि ये कॉर्न अंदर से ड्राई है तो आप इसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़क सकते हैं, क्योंकि हमें इसके लिए थोड़ा मॉइस्चर चाहिए। अब इसके नीचे रखने के लिए हम एक कोई भी पत्ता ले लेंगे जो थोड़ा बड़ा हो और इस तरह से इसे कवर करके हमें माइक्रोवेव में रखना है। आप चाहे तो माइक्रोवेव से प्लेट में भी रख सकते हैं। अभी मैं इसे ऐसे ही टर्न टेबल के ऊपर रख दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसे टर्न टेबल के ऊपर रख दिया है। आप इसे चेक कर ले, इसका जो हिस्सा होता है वो माइक्रोवेव पे कहीं पे टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो टर्न टेबल घूमेगा नहीं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से टर्न टेबल के ऊपर सेट कर दिया है। अब हम इसे माइक्रोवेव के हाई टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए बॉईल कर देंगे। तो 5 मिनट के बाद अब ये स्वीट कॉर्न अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। ये बहुत ही गर्म है, तो ग्लोव्स की मदद से हम इसे बाहर निकाल लेंगे और इसे एक प्लेट में ले लेंगे। तो इसके पत्ते मैंने हटा दिए हैं, इसे चेक करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो चाकू की मदद से इसे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका दाना एकदम सॉफ्ट हो गया है। इसे निकाल के भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये स्वीट कॉर्न एकदम परफेक्टली बॉईल हो गया है। तो यहाँ पर मैंने कुछ मिक्स सब्जियाँ ली है, जो कौन कौन सी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक गाजर लिया है जिसे छील के थोड़े बड़े टुकड़ों में मैंने कट किया है। इसी के साथ थोड़ी फ्रेंच बीन्स ली है जिसे भी मैंने पानी से धो के बड़े टुकड़ों में कट किया है। थोड़ी सी फूल गोभी ली है जिसके भी मैंने सिर्फ फूल इस्तेमाल किए हैं। एक आलू लिया है जिसे छील कर बड़े टुकड़ों में कट किया है और वो काला ना हो जाए उसके लिए मैंने इसे पानी में ही रखा है। इसी के साथ मैंने थोड़े से मटर लिए हैं। तो ये सारी सब्जियां हम एक माइक्रोवेव से बॉल में ले लेंगे। आप देख सकते हैं आलू को भी मैंने इस तरह से थोड़ा बड़ा कट किया है। आपको जिस तरह से इसमें से रेसिपी बनानी हो उस तरह से आप इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे मिक्स वेजिटेबल की सब्जी में इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो इस तरह से मैंने इसे कट किया है। अब हम इसमें 3 से 4 चम्मच जितना पानी डालेंगे और इसे भी हमें कवर करके ही बॉईल करना है। तो मैंने इसके ऊपर माइक्रोवेव से प्लेट रख दिया है। अब हम इसे माइक्रोवेव में रख देंगे। तो डायरेक्ट टर्न टेबल के ऊपर इसे रखें और अब हम इसे माइक्रोवेव के हाई टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 5 मिनट में ही ये सब्जियां अच्छी तरह से बॉईल हो जाती है। तो इसे खोल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे एक बार चम्मच की मदद से हम ऊपर नीचे कर लेंगे। तो सबसे पहले हम गाजर को देख लेते हैं। ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो इसी तरह से सारी सब्जी मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं सारी सब्जियां अच्छी तरह से बॉईल हो गई है। तो हम इस तरह से कम मेहनत में और कम समय में सब्जियों को बॉईल करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।